आपने टोयोटा की देखी, यहाँ पे फॉर्च्यूनर, काफ़ी लोग थोड़े से ऑफिसर प्रोफाइल के होते हैं, उनको ऐसी गाड़ियाँ जचती हैं जिसमें बात आती है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा की। डिटेल क्या रहने वाला है? एक और आप लोगों के लिए वीआईपी नंबर की एंट्री हो गई है और ये है मित्सुबिशी की पजेरो स्पोर्ट्स। बिल्कुल सर। कलर बहुत ही यूनिक है और सबसे ज्यादा भाई मुझे लगता है भैया इस वाले सिर्फ की पजेरो स्पोर्ट्स में यही कलर बिकी। हाँ, ये बात हो रही है भाई अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर की बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, इसके लुक्स की बात कर ले, इसका जो भाई रोड पे प्रेजेंस है ना वो कोई और गाड़ी की हो ही नहीं सकती है। भैया हमने महिंद्रा की दो गाड़ियां दिखा दी है, लेकिन महिंद्रा की वो गाड़ी बची हुई है जिसके लिए होता है बहुत ही ज्यादा डिमांड, मोस्ट डिमांडेबल कार सर, कि ये चली हुई सिर्फ और सिर्फ 5200 किलोमीटर है, 5200 अनेकाना शॉकिंग प्राइस होगी सर इसकी। सही बात, 3.5 लाख में विद पेपर ट्रांसफर। अच्छा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद, और मैं दे रहा हूँ व्यूअर्स को बट ओनली फॉर रोमिंग बर्ड्स। अच्छा, और ये होली का स्पेशल ऑफर आप इसको कह सकते हैं। बस वही कह सकते हैं भाई कि होली का भी ऑफर है आप लोगों के लिए, तो इस होली भाई खुशियों से मनाइए अच्छे से आप। तो मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग बर्ड यूरोप चैनल, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और हमारे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे होंगे भाई ये है अपनी XUV 500, और अगर बात करें इस साइड पर भी तो आपको दिख रहे होगी XUV 500। तो भाई अगर XUV 500 चाहिए, आज की इस वीडियो में दो दो लगी हुई है, और बाजू में कौन सी गाड़ी लगी है भाई, तो टोयोटा की बहुत ही नोन कार लगी हुई है, उसमें से एक है अपनी इनोवा क्रिस्टा जो कि 2.5 वी वेरिएंट है, बीच वाला मॉडल है ये, और साथ ही साथ वहाँ पे टोयोटा की भाई अपनी फॉर्च्यूनर लगी हुई है, उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, लोग जानते हैं उसको। और इस ओर भी आपको बहुत सारी गाड़ी दिख जाएगी, जैसे अपने बिहार की भाई शान जो है स्कॉर्पियो वो है, उधर में कुछ छोटी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो अगर आपको कार लेनी थी यूज्ड कार की, आप तलाश में थे भाई, ख़रीदना चाह रहे थे सेकेंड हैंड कार, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक या दो महीने बाद मैं वापस से आप लोगों के लिए भरद्वाज इंटरप्राइजेस की वीडियो लेकर आया हूँ। और जब जब हमने यहाँ से वीडियो बनाया, जब जब सिद्धार्थ भैया के यहाँ से वीडियो आप लोगों के लिए आई है, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसको सराहा है, तो आज की भी इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि रेट बढ़िया मिलेगा आपको, प्राइसिंग अच्छी के साथ साथ में भाई आपको जो क्वालिटी है कार की वो भी अच्छा देखने को मिलेगी, और सारी एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ लगी होती है, फिनांस का बहुत ही बढ़िया आपको फैसिलिटी मिलता है। तो वीडियो को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं आपको भरद्वाज इंटरप्राइजेस से, सिद्धार्थ भाई से, और फिर एक एक करके उनसे लेंगे पूरी डिटेल, किस तरह से आप खरीद सकते हैं, क्या एड्रेस है, लोन की क्या फैसिलिटी है, सब कुछ बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में यहाँ से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। तो भाई आपने देखा कि आज की इस वीडियो में आपको क्या स्टॉक मैं दिखाने वाला हूँ, तो भाई वीडियो को अगर स्टार्ट हम लोगों को करना है, पूरी डिटेल लेनी है, तो सबसे पहले आपको भरद्वाज इंटरप्राइजेस के मिलना होगा यहाँ पे सिद्धार्थ भाई। तो सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, कैसा रहा भाइयों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा बताइएगा हमें। पहले तो सभी हमारे यूट्यूब के जितने सारे व्यूअर्स हैं रोमिंग बर्ड के, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। बिल्कुल, एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल भैया, आज क्या स्टॉक है? पिछली बार तो हमने जीप कंपास दिखाया था, अपनी स्कॉर्पियो की बहुत अच्छी लंबी चौड़ी हमने रेंज दिखाई थी, आज क्या दिखाने वाले हैं? अंकित जी, जीप कंपास का तो थैंक्स टू यू ऑल्सो, जिस दिन वो वीडियो शूट हुई थी, अच्छा, उसके नेक्स्ट जैसे इतनी सारी इंक्वायरीज इस गाड़ी की आने लगी सर, जीप कंपास की रिगार्डिंग। बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगा हमारे सभी व्यूअर्स को, वो गाड़ी रोमिंग बर्ड के थ्रू ही गाड़ी सेल आउट हो रही है। तो भाई आप लोगों को कांग्रेचुलेशन, जिन भी भाई ने खरीदा था, आज क्या स्टॉक है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ भैया फॉर्च्यूनर भी लेकर आए हैं, XUV 500 है, टोटल क्या स्टॉक रहने वाला, मिक्स रहने वाला है, कौन कौन सी गाड़ियाँ रहने वाली, मोटा मोटा बताइए हमें। तीन कंपनी के स्टॉक, तीन से चार कंपनी स्टॉक मिक्सअप रहेंगे। अच्छा, जिसमें हम टोयोटा की गाड़ी लेकर आएंगे, हम महिंद्रा का लेकर आएंगे, फिर मारुति की कुछ गाड़ियाँ आएंगी, बहुत बढ़िया, जो सर्विस रिकॉर्ड से चली हुई गाड़ी मिलेगी, सर्विस रिकॉर्ड के साथ, डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक गाड़ी रेनॉल्ट कंपनी की भी होगी, जो आज के डेट में डिमांडेबल है, लोग को काफी पसंद है उस गाड़ी को लेकर। सही बात है जी सर, वो भी अपन दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। बोरिंग रोड में तो हम लोग खड़े हैं, फिर भी लोकेशन क्या रहने वाला है? लोकेशन जैसा कि अंकित जी आप देख रहे हैं, हम बोरिंग कैनाल रोड पिक पॉइंट पे, बोरिंग कैनाल रोड में भारत पेट्रोल पंप है, जो हमारे दोस्तों दिखा सकते हैं, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप के ठीक अपोजिट जेजे कॉम्प्लेक्स है, ये जो आप देख रहे हैं जेजे कॉम्प्लेक्स, उसी में आपको फर्स्ट फ्लोर पे पंजाब नेशनल बैंक के बगल में हमारा ऑफिस है, बहुत बढ़िया, भरद्वाज इंटरप्राइजेस के नाम, भरद्वाज इंटरप्राइजेस, बाकी आप चेहरे से भी पहचान लेंगे आने के बाद। तो पहली गाड़ी पे हम लोग आते हैं, 24 नंबर, और भाई ये गाड़ी बहुत ही बवाल है, ये रुतबा बताती है लोगों की भैया, मैं तो हर एक वीडियो में इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्या डिटेल रहने वाला है? जैसा कि अंकित जी आप देख रहे हैं, ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, 2014 सितंबर मॉडल गाड़ी है। अच्छा,
और जहाँ तक देख पा रहे हैं ये पटना स्टेशन है। बिल्कुल। और एक खास बात, आप नंबर पे गौर कर सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं 09999। बिल्कुल, सॉरी 0999। हाँ जी, फोर नंबर की गाड़ी है, फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है अंकित जी। है अच्छा। हाँ जी सर, कितना चला होगा ये? ये अप्रोक्सीमेटली चली हुई है 84,000। 84,000 अप्रोक्सीमेट चला हुआ है 2014 के सितंबर महीने की। व्हाइट कलर की आप फॉर्च्यूनर देख रहे हैं, जो कि भाई फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट है। ये नंबर आपने देख लिया है, पटना का नंबर है, VIP मतलब चॉइस नंबर आपको देखने को मिलती है। सामने से जो भाई फ्रंट बम्पर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है लुक को, वो लगा हुआ है। और साइड से देखिए भाई, इसके लुक को इन्हेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ये गाड़ी है भाई। क्योंकि ये बात हो रही है भाई अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर की, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, इसके लुक्स की बात कर ले, इसका जो भाई रोड पे प्रेजेंस है ना, वो कोई और गाड़ी की हो ही नहीं सकती है। साथ ही साथ मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाना चाहूँगा भाई। आपको इसमें ना पूरा रग्ड फील होता है, मतलब मजबूती आप अगर इसके डोर पे वैसे आप टच करें, चाहे कहीं भी आपको फील होगा, तो आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं भाई। आपको फीचर बताने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, चारों पावर विंडो आपको मिल जाता है, एयर बैग है, कुछ कंट्रोल्स हैं, बीच में आपको जो है टोयोटा की म्यूजिक सिस्टम आ जाती है, और बहुत ही बड़ी फील होती है अंदर से भी। आप बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं, इतनी आपको स्पेस मिलती है। तो सिद्धार्थ भाई 2014 की फॉर्च्यूनर है, कह सकते हैं कि फॉर्च्यूनर को तो पहचान में लोग इसी वाले शेप से लेकर आए थे। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। तो आज भी काफी लोगों की पसंद ये गाड़ी है सर। सही बात, मजबूती को लेकर ये, और कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर काफी लोग अभी भी आजकल ये डिमांडेड में है। सही बात है, राजा है ये तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सिद्धार्थ भाई, अगर हम लोग प्राइस पे हम लोग आए, फॉर्च्यूनर कितने की दे रहे हैं? फॉर्च्यूनर की अगर आप नए में स्टार्टिंग प्राइस 25-26 लाख पड़ती थी, बिकॉज ये फोर व्हील ड्राइव गाड़ी थी। जैसा कि आप देख पा रही है, फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, सबसे टॉप एंड मॉडल गाड़ी फॉर्च्यूनर की। उस समय 26 लाख अप्रोक्स आती थी गाड़ी, अभी तो खैर 50 के आसपास की। हाँ जी सर, अभी तो लेजेंडर, अब तो आप समझिए कि अब तो आउट ऑफ बजट ही होते जा रहा है। बिल्कुल। बट अब आपके हिसाब से आप ही बताइए कि क्या रेट इसका होना चाहिए सर? अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे बस रहता कि हमारे भाइयों के लिए जितना कम प्राइस हो सके। बिल्कुल सर, तो इसलिए मैं रेट नहीं डिसाइड करता सिद्धार्थ भाई, लेकिन ये डिमांड जरूर कर सकता हूँ कि जो बेस्ट रेट होना हमारे भाइयों के लिए, हमारे चैनल पे बताइए। बिल्कुल सर, जो भी रोमिंग बर्ड से आएंगे सर, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होता ही है। अच्छा। क्योंकि होता क्या है, काफी कस्टमर जो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं भाई जी आपको रोमिंग बर्ड पे हम देखे, रोमिंग बर्ड के चैनल के थ्रू ही आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ आप लोग उसमें बोलते हैं कि कुछ बेनिफिट रोमिंग बर्ड के थ्रू देते हैं सर, क्योंकि आपका नाम आता है तो देना ही पड़ता है। डेफिनेटली देंगे सर, थैंक यू सो मच। और एक चीज और भी रहती है कि भाई वीडियो देख के बहुत दूर दूर से काफी आते हैं। सर बहुत दूर दूर लोग आ रहे हैं। सिद्धार्थ भाई प्राइस पे आते हैं हम लोग। अगर प्राइस की बात आ रहे हैं सर, तो आज मैं आपको एकदम कट टू कट फाइनल रेट बात करूंगा। अच्छा ठीक है सर, ये गाड़ी मैं आपको 14,25,000 में विद पेपर ट्रांसफर, अच्छा विद इंश्योरेंस, ये गाड़ी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो 14,75,000 आपने? 14,25,000। अच्छा माफ कीजिएगा, 14,25,000 की आप खरीद सकते हैं 14 के सितंबर महीने के टोयोटा की फॉर्च्यूनर। उसमें भी इंश्योरेंस और नाम ट्रांसफर करके देंगे। और उसमें काफ़ी भाइयों का डिमांड होता है कि भैया आप गाड़ी बाहर से तो दिखाते हैं, अगर 10 गाड़ी दिखा रहे हैं तो 3-4 गाड़ियों का बोनट खोल के आप इंजन दिखाइए। तो हमने इंतजाम कर लिया, अभी आपको दिखाएंगे। सिद्धार्थ भाई कैसा रहने वाला है इसका? मैं खुद भी चाहूँगा कि हमारे जो काफ़ी दूर से लोग गाड़ियों को देखते हैं सर, मैं चाहूँगा कि उनको इंजन पहले से वो देख ले, सेटिस्फाइड हो ले, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आते हैं। सही बात है, उनको परेशानी ना हो किसी भी तरह। आप देख लीजिए मेरे भाई, तो ये इसका इंटीरियर का पूरा रहने वाला आप देखेंगे। ये देखिए स्टिकर भी जो है ना, वो ऐसे ही लगा हुआ है, कंपनी की है सर। बिल्कुल भाई, मेंटेन गाड़ी होती है, भाड़े पे चलने वाली ये गाड़ी है नहीं, लोग शौक से खरीदते हैं और अच्छे से। और अंकित जी एक खास बात मैं बताऊं, ये गाड़ी ओरिजिनल पेंट में ही गाड़ी है, बस कुछ हाँ सर कुछ पार्ट जैसे ये सब बम्पर्स वगैरह क्लाइडिंग वगैरह टचअप हुई है, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो डेफिनेटली टचअप कहीं ना कहीं इसका सोना नॉर्मल है। सही बात, आज पटना के रोड में सर। बट जहाँ तक आप बॉडी देख सकते हैं कि भाई फुल गाड़ी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, मतलब कह सकते हैं मेटल पार्ट जो ऊपर का है वो ओरिजिनल पेंट पे है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं भाई, आपको रेट बता दी गई है, आपने कहा है फिक्स एंड फाइनल प्राइस पे चलेंगे, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा हमारे भाइयों के लिए 14-25 में कुछ मान सम्मान, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। बट वो बोलेंगे कि सर हम रोमिंग बर्ड से आ रहे हैं, रेफरेंस देंगे तो, रेफरेंस देंगे तो सर। चलिए अच्छा लगा मुझे ये चीज। तो भाई आपने टोयोटा की देखी, यहाँ पे फॉर्च्यूनर, काफी लोग थोड़े से ऑफिसर प्रोफाइल के होते हैं, उनको ऐसी गाड़ियां जचती हैं जिसमें बात आती है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा की। डिटेल क्या रहने वाला है सर? ये टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा 2.4 भी है अंकित जी। अच्छा 2.4 भी है, ठीक है, सेकंड टॉप एंड मॉडल कह सकते हैं आप इसको, इससे ऊपर एक जेड आती है, बट ये 2.4 भी है। अच्छा, ये आपको 2017 नवंबर महीने की गाड़ी है, 17 के नवंबर नवंबर की महीने की, ऑटमोस्ट समझिए धनतेरस के समय लोग जो गाड़ियाँ खरीदते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑनर है। अच्छा, पटना रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप देख सकते हैं सर। बिल्कुल, और ये कैप्टन सीट वाली गाड़ी है। अच्छा, ये कैप्टन हाँ, सीट जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो ऑफिसर रैंक पे लोग चलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि भाई बीच में बैठे तो सेपरेटली बैठे। सही बात है जी, बिल्कुल बीच में भाई कैप्टन सीट आपको इसमें मिल जाता है। और सही बात है, जो क्रिस्टा के लिए जाते हैं ज़्यादातर भाई वो ऑफिसर प्रोफाइल के ही लोग होते हैं,
तो 2000 आपने 17 नवंबर का बताया, कितना चला होगा ये चला हुआ है 62,000 62,000 चली हुई है। ठीक है, आती तो डीजल ही है ये। जी ये डीजल बिल्कुल, तो बताने की जरूरत है नहीं, वो भी डीजल ये भी डीजल। सामने से आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एलईडी डीआरएल दिख रहे होंगे इस साइड पे। फ्रंट प्रोफाइल आपने देख लिया है, नंबर पटना का है, सिद्धार्थ भाई ने हमें बताया है। और भाई अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही लंबी है, 7 सीटर या फिर 8 सीटर में आती है, तो भाई इसी सेगमेंट में भाई आती है अपनी अर्टिगा। लेकिन अर्टिगा से बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी होती है ये, और काफ़ी ज़्यादा भाई लग्जूरियस फील आपको देती है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें भाई, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर मिल जाता है, और डेफिनेटली भाई इसमें ना पैसे जो लगाते हैं लोग वो वर्थ होता है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ही प्रीमियम आपको रिच इंटीरियर देखने को मिलता है। पीछे में आपको कैप्टन सीट मिल जाती है, डैशबोर्ड आप पूरा देख पा रहे होंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और ये दोनों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं आज चाहता हूँ कि सभी कस्टमर को, लोग कहते हैं कि नहीं किलोमीटर, काफ़ी व्यूअर्स आते हैं किलोमीटर का फोटो आप लोग नहीं दिखाते हैं, वीडियोज़ नहीं दिखाते हैं, आने के बाद कुछ और होता है, देखने में कुछ और होता है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप किलोमीटर भी इसको शॉप हाँ जी आप दिखा देता हूँ। मैं ऐसे आपको दिख भी रहा था, आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। 62,140 किलोमीटर चली हुई है। तो जो भैया ने कहा है बात वैसे सही है कि आपको जो भी हो हम लोग वीडियो के माध्यम से जितना हो सके दिखाएंगे। डेफिनेटली होता है क्या ना सर कि काफ़ी दूर से लोग आते हैं, सही बात, अब वो देख रहे हैं कुछ और सामने कुछ मिले तो उनका भी परेशानी बढ़ जाती है, बिल्कुल, और मन थोड़ा सा छोटा होता है, छोटा होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि कस्टमर के साथ ऐसा कुछ हो। आप चाहेंगे टायर्स वगैरह भी दिखा सकते हैं। हाँ जी आप देख लीजिए, यहाँ पे टायर पे अभी रेसे आपको मिल जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो गाड़ी आपको कुल मिला के ना मेंटेन मिलेगी, आपने फॉर्च्यूनर भी देखा, आपने क्रिस्टा भी यहाँ पे देखा है, दोनों गाड़ी आप देख पा रहे होंगे मेंटेन है। आगे देखने वाली जो गाड़ियाँ होंगी उसमें भी आपको ये चीज़ दिखेगी। सिद्धार्थ भाई 17 नवंबर महीने की 62,000 चली हुई, क्या प्राइस आपने रखा है? चलिए ये गाड़ी भी एक्चुअली इसका प्राइस हमने रखा है 15,00,000 रुपए। बिल्कुल, हमने अभी देखा है कस्टमर जब आया था, जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टमर भी व्यूअर्स इतने इंटरेस्टेड थे इस गाड़ी को लेकर। अब जहाँ तक आपकी बात आती है सर, रोमिंग वर्ड, हमारी रोमिंग वर्ड की बात आती है, जो व्यूअर्स होंगे ये गाड़ी मैं उनको 14,51,000 रुपए विद पेपर ट्रांसफर में उनको। अरे वाह भाई सही बता रहे हो, 50,000 का डिस्काउंट बिल्कुल रोमिंग वर्ड के चैनल के थ्रू जो भी आया, थैंक यू सो मच। तो 50,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट है, क्योंकि मेरे सामने भैया से भी एक कस्टमर ने आके पूछा रेट 15,00,000 भैया ने बताया। लेकिन सर ये मैं एक और बात कहूँगा, ये ऑफर मैं दे रहा हूँ व्यूअर्स को बट ओनली फॉर रोमिंग वर्ड्स। अच्छा, और ये होली का स्पेशल ऑफर आप इसको कह सकते हैं, बस वही कह सकते हैं भाई कि होली का भी ऑफर है आप लोगों के लिए, तो इस होली भाई खुशियों से मनाइए अच्छे से आप। तो आपने देख लिया 14,51,000 में ट्रांसफर इंश्योरेंस सब कुछ करके देंगे, बाकी दो यहाँ पे लगी हुई XUV500 पहले व्हाइट वाले पे आते हैं, छपरा नंबर है ये। हाँ जी सर ये छपरा नंबर है, ये आपको XUV 2019 की मॉडल है, 19 की है ये, W11 सबसे टॉप एंड मॉडल, बहुत बढ़िया W11 2019 मॉडल। इसकी स्टार्टिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 26,00,000 या 25,00,000 के आसपास शोरूम में पड़ती थी। ये गाड़ी समझिए, मैं आपको क्या आप ही कह लीजिए अंकल जी, क्या लगता है कि इस पे प्राइस पे क्या होना चाहिए, कहाँ तक ये दे सकते हैं, कहाँ तक इसका समर को हमारे इंटरेस्टेड ले सकते हैं इसको, बताइए आप। जैसा आप शुरू से रेट देते हैं उम्मीद है कि इसका भी रेट तो खैर लोगों से बेहतर ही होगा बाकी जगहों से। उससे पहले सिद्धार्थ भाई मेरा एक क्वेश्चन है, ये चली कितनी हुई है? ये अप्रोक्सीमेटली चली हुई 70,000 आप देखेंगे एक चीज भाई, जो जितना रह रहा किलोमीटर बता रहे हैं 19 की 70,000 है तो है, 70,000 है तो है बिल्कुल। और कोई गाड़ी अगर खरीद रहे हैं ना 24-25 लाख तो वो यूज करेंगे सर, ना कि घर में जाके रख देंगे। सही बात है, 10,000 चला हुआ 20,000 चला हुआ है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो 10-20,000 चली हुई होती है, हमने लास्ट वीडियोस में भी दिखाया भी हमने। सही बात, जैसे जीप कंपास जो थी आपने दिखाया था वो जो चली हुई थी सर्विस रिकॉर्ड से। सही बात, कुछ गाड़ियाँ वैसी होती हैं सर बची हुई, बट कोई ये गाड़ी लेंगे सर तो चढ़ते हैं यूज ही करेंगे। सही बात, 70,000 चला हुआ है तो मतलब चला हुआ है सर, 70,000 चली हुई है तो चली हुई है। तो 19 की आप XUV500 देख रहे हैं, ये टॉप एंड मॉडल है जहाँ पे बहुत ही अच्छे आपको एलॉय देखने को मिल जाते हैं, ऊपर में आपको सनरूफ मिलती है, टायर की कंडीशन आप देख लीजिए मेरे भाई एकदम ही ब्रांड न्यू कंडीशन में, क्योंकि भाई 60-70,000 चलने के बाद टायर चेंज होता है, तो टायर आपका एकदम चेंज कराया हुआ, आपको कुछ कराने की जरूरत है नहीं। साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर आ जाता है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटीरियर आपको कैसा देखने को मिलेगी। तो इंटीरियर में भाई आप ये बताइए कि कौन से फीचर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई ये W11 है तो आपको भी पता है सारे फीचर ऑलमोस्ट आपको इसमें मिल जाते हैं, इवन आपको क्रूज कंट्रोल भी इसमें देखने को मिलती है। बीच में आपको ये म्यूजिक सिस्टम का यूनिट और उसके नीचे AC यूनिट मिलता है, बीच में बड़ी सी हैंडरेस्ट आपको मिलती है, और साथ ही साथ ऊपर अगर आप देखेंगे सनरूफ के साथ में आपको बहुत ही अच्छा फील दिलाती है ये कार। और ये देख सकते हैं आप, इसका मैं सीट टॉवल को हटाकर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप देख ले कैसी है। अच्छा, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने को मिलता है यहाँ पे सीट, आप देख पा रहे होंगे भाई। तो कुछ सारे जो मतलब फीचर है ना इसमें आपको बहुत ही एडवांस मिल जाती है। तो आपने देख लिया भाई XUV500 2019 का, भरद्वाज इंटरप्राइजेस से हम लोग दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ भाई बताएंगे हमें
क्या प्राइस में आप दे देंगे? अंकित जी चलिए ये व्यूअर्स को मैं आप जहाँ तक बता रहा हूँ मैं 26 लाख अप्रोक्सीमेटली पड़ती थी ये गाड़ी 24 या 25 लाख के आसपास, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, याद नहीं है, बट जहाँ तक है मैं शोरूम से चलिए ये गाड़ी में 50% ऑफ में गाड़ी देता हूँ। अच्छा, मतलब कि 50% तक का बचत होगा। हाँ जी सर, ठीक है। ये गाड़ी 2019 मॉडल 13,25,000 में विद पेपर ट्रांसफर में प्रोवाइड करते हैं। 13,25,000 में विद पेपर ट्रांसफर आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब अलग से एक भी रुपया नहीं देंगे? एक भी रुपया देना नहीं होगा सर। चलिए अच्छा लगा मुझे ये चीज़ भाई, अलग से आपको पैसे नहीं देने हैं, 13,25,000 मांगते हैं। आएंगे नाम लेंगे भैया, जरूर से रिगार्ड रखेंगे, उसके लिए भैया कहीं जा नहीं रहे हैं। आगे आते हैं भैया एक डिफरेंट कलर में, जिस कलर में अपनी क्रिस्टा थी कहीं ना कहीं वैसा ही है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता कलर है। बिल्कुल, क्या डिटेल है इसका? ये भी सर 2017 नवंबर की गाड़ी है। अच्छा, ये 17 का नवंबर फर्स्ट ऑनर है, ठीक है। ये भी गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड 68,000 चली हुई गाड़ी है, 68,000 चली हुई है 17 के नवंबर की, नवंबर की फर्स्ट ऑनर है। W8 मॉडल है सर, W8 है, पटना रजिस्ट्रेशन है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, अनटच गाड़ी है सर, जैसा कि आप हमारे व्यूअर्स को आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जो है जैसा है सामने है, जो भी है जैसा है सामने है, और गाड़ी है 17 के नवंबर की। भैया ने डिटेल दे दिया है, थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं हम लोग। आप देख लीजिए, इसका मैं साइड से व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपको एलॉय व्हील मिलता है, क्योंकि भाई ये सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें थोड़े से एलॉय व्हील थोड़े से डिफरेंट डिजाइन के, लेकिन इसमें भी आपको मिलता है। टायर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, और मोर ऑर लेस भाई बाहर से सेम दिखती है, आपको क्या कुछ नहीं मिलता है जब आप कंपेयर करते हैं भाई इसको W11 से, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन बस नहीं मिलती है, और साथ ही साथ अगर बात करें भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम का यूनिट, सीट वगैरह की कंडीशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और हैंड रेस्ट इसमें भी आपको क्या है ना सर, ये ओरिजिनली कंडीशन है, कस्टमर की जो घर में यूज करते हैं वो कंडीशन में गाड़ी है हमारी रखी, मतलब एज इट इज कंडीशन, एज इट इज कंडीशन में। बिल्कुल, कस्टमर के पास से आके गाड़ी यहाँ लगी हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे एज इट इज कंडीशन में भी भाई गाड़ी की जो कंडीशन है बुरी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल पेंट में। ये भी गाड़ी है ओरिजिनल पेंट पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ओरिजिनल पेंट पे XUV500 भरद्वाज इंटरप्राइजेस से अगर कोई लेने आते हैं 17 के नवंबर का, कितने रुपए उनके पास होने चाहिए? सर देखिए, ये इस गाड़ी को मैं हमारे व्यूअर्स को 8,21,000 में विद पेपर ट्रांसफर में गाड़ी दे दूंगा, विद स्पेशल। हाँ सर, और उसके साथ एक गिफ्ट वाउचर में जो इंटीरियर एक्सेसरीज भी देख रहे हैं वो हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा सर। रोमिंग बर्ड करके देंगे, जो रोमिंग बर्ड के व्यूअर्स आएंगे इस गाड़ी को बुक करते हैं उनको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर में जो एक्सेसरीज में सीट कवर होता है, एक्सेसरीज में स्टीयरिंग कवर होता है, परफ्यूम्स होता है, वो हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। चलिए भाई, तो जो एक्सेसरीज है वो आपको फ्री में ही मिल जाएगा, बस आप आकर रेफरेंस देते हैं, और बाकी प्राइस भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये 17 के नवंबर महीने का है। जी सर, ठीक है भैया, हमने महिंद्रा की दो गाड़ियाँ दिखा दी है, लेकिन महिंद्रा की वो गाड़ी बची हुई है जिसके लिए होता है बहुत ही ज़्यादा डिमांड, मोस्ट डिमांडेबल कार सर। पहली कौन सी है ये? पहली ये गाड़ी सर आपको दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो की S10 है सर, ये 2018 की मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ऑनर है, ठीक है, बिहार से रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाँ सर, BR21। ये गाड़ी सर अप्रोक्स प्राइस इसकी 12.5 लाख रुपए है। अच्छा, बट हमारे जो भी रोमिंग वाइट चैनल के थ्रू से हमारे जो भी व्यूअर्स आएंगे उनका डेफिनेटली प्राइस नेगोशिएट होगा सर, उसमें भी कम हो जाएगा एकदम सर। आपने कौन सा मॉडल बताया? ये 2018 की S10 की S10 है, व्हाइट कलर में है, ग्राफिक के साथ में आपको एडवेंचर एडिशन है ये। अलॉय व्हील भी अगर आप देखेंगे ग्लॉस ब्लैक में आपको मिल जाता है। जिन भाइयों को अगर S10 चाहिए, S10 का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलती है। बाकी इसमें क्रोम वगैरह आप देखेंगे, ब्लैकआउट वाली लगाई गई है, जो कि भाई अभी नया ट्रेंड में चल रहा है। इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज़ तो भाई इसका इंटीरियर ओपन करते ही दिख गया है कि गाड़ी मेंटेन है अपनी। आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्विच वगैरह देख के भी कुछ आइडिया लग जाता है, जितने भी अब मैच्योर हो गए हैं। साथ ही साथ आपको इसमें भी क्रूज कंट्रोल मिलता है, बीच में म्यूजिक सिस्टम का यूनिट है। सीट पे अगर देखेंगे भाई तो सीट कवर बहुत ही अच्छी लगाई गई है, जो कि प्रीमियम फील दे रहा है इस गाड़ी में। प्राइस भैया ने बता दिया है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि इतने पैसे नहीं है, आप निश्चिंत होकर आइएगा, पूरे बिहार में फिनांस कराते हैं। बिल्कुल सर, पूरे बिहार में फिनांस फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, बट कस्टमर जिनके नाम से फाइनेंस होती है उनका सिविल अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए, बैकग्राउंड प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, कि हाँ उनका सिविल अगर अच्छा रहे तो बिहार के किसी भी कोने में रहेंगे उनका लोन प्रोवाइड होगा। बिल्कुल भाई, आप किसी भी क्षेत्र से होंगे बिहार के, आपका लोन करा दिया जाएगा, बस आपका प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए। प्रोफाइल बढ़िया के साथ साथ हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा एक चॉइस नंबर में भैया हमें दिख रहा है, बेगूसराय नंबर। जी सर, क्या डिटेल है इसका? इसकी सर ये भी 2018 की मॉडल है सर, 18 का है। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना कि आज के डेट में S3 और S2 मोस्ट डिमांडेबल कार्स हैं। बिल्कुल, कस्टमर व्यूअर कितने सारे इंटरेस्टेड S2 S3 को लेकर हैं, कहते हैं ना कि लगन भी स्टार्ट, शादी का माहौल है, तो भाई S2 S3 ज़्यादा डिमांडेबल। अभी तो पूरा सीजन ही बचा हुआ है, मार्च अप्रैल और मई तो भाई काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रह नहीं पा रही हैं सर, जो भी रह रही हैं
आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है। बिल्कुल बचा बचा कर रखना पड़ रहा है कि बचा भाई बचा के भैया रख रहे हैं ताकि आप लोग आए तो निराश होकर निराश होकर ना जाए। बिल्कुल। तो ये S2 है S3 है? ये S3 है सर। S3 है। 2018 आपने बताया। 2018 मॉडल, फर्स्ट ऑनर, बेगूसराय स्टेशन, जैसा कि देख पा रहे हैं सर। नंबर भी देख लीजिए 2277। ये आपको सर 10,25,000 में, फाइनल रेट बात कर रहा हूँ अंकित जी, 10,25,000 में विद पेपर ट्रांसफर में ये गाड़ी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, विद पेपर ट्रांसफर आपको 10,25,000 की ये कार दे देंगे। जिन भाइयों को S3 चाहिए, नहीं मिल रहे मार्केट में, आपको भी पता है थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है, तो जिन भाइयों को लेना होगा, नंबर दिया होगा सिद्धार्थ भाई का, आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ आप टायर देखिए भाई, एकदम ही नई टायर इसमें डलाई गई है, तो आपको टायर नहीं चेंज कराने हैं। इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ, और इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप अपने अभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको एयरबैग नहीं मिलता है, आपको मैं बता दूं, लेकिन जनरली भाई S2 S3 लोग लेते हैं अपने भाड़ा पे चलाने के लिए शादी विवाह में, तो वो जा सकते हैं इस कार के लिए। बाकी यहाँ पे रेनो की डस्टर है भैया। हाँ जी सर। क्या डिटेल है? ये मेरी ओन फेवरेट कार है सर। अच्छा, ये एक्चुअली लो मेंटेनेंस गाड़ी एक तो है सर, और एवरेज सुपर एवरेज है। एवरेज बढ़िया है। बिल्कुल सर, अगर आप लॉन्ग इसको लेकर जर्नी कर रहे हैं ना, एक तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट गाड़ी है ये, उसके बाद स्पेसियस काफ़ी सारी है, ठीक है, और जहाँ तक एवरेज की अगर इसकी बात करें ना, तो लॉन्ग में आपको 20+ की एवरेज, जैसा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ सर, 20 के ऊपर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो 20 के ऊपर ऑन ड्राइव इसको करता हूँ, इसलिए मैं इसको डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी दे सकता हूँ 20+ की एवरेज है सर। 20 के ऊपर की माइलेज देती है अगर आप अच्छे से चलाते हैं ऑन द हाईवे। तो अब थोड़ा सा हमें डिटेल दे दीजिए इस गाड़ी के बारे में। ये सर 2014 की मॉडल है। अच्छा, ऑनर सर सेकंड है, जैसे मैं बता, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, ऑनर सेकंड है ये सर। इस प्राइस की बात करूँ तो इसका स्टार्टिंग प्राइस जब शोरूम में ये लॉन्च हुए 13 या 14 के लमसम में गाड़ी ये लॉन्च हुई थी। अच्छा, अभी जहाँ तक गाड़ी का मैं रेट की बात करूँगा सर, तो अंकित जी आप एक बार खुद सजेस्ट कीजिए मुझे कि हाँ भाई साहब क्या रेट इसका होना चाहिए। क्या मॉडल है ये भैया? ये 2014 की मॉडल है सर। 2085 PS मॉडल है, 85X में दो वेरिएंट आता है, 10 और 85। बिल्कुल 85 लो मेंटेनेंस गाड़ी है, मैं व्यूअर्स को बता, लो लगता है। हाँ सर, काफ़ी कस्टमर को लगता है कि मेंटेनेंस सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं खुद इसे ड्राइव कर रहा हूँ, इस लो मेंटेनेंस गाड़ी है, जस्ट लाइक अ ब्रेजा। जस्ट लाइक ब्रेजा। तो जस्ट लाइक ब्रेजा, आपको भाई मेंटेनेंस चाहिए होती है इस कार के लिए, ज़्यादा मेंटेन कराना नहीं होता है। BR06 है, आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का नंबर है। एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे भरद्वाज इंटरप्राइजेज में कहीं ना कहीं आपको हर एक ब्रांड की गाड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिछले में तो जीप कंपास भी दिखाया था, जो कि जल्दी आपको किसी डीलरशिप पे मिलती नहीं है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है, या कि यहाँ पे भाई जो रेनो की अपनी लोगो आती है वो आप देख सकते हैं, और म्यूजिक सिस्टम भी आपके सामने है जो कि कंपनी फिटेड ही है। तो सारे तरफ से हमने आपको गाड़ी को वेरीफाई करा दिया है, और जिन भाइयों को चाहिए कॉम्पैक्ट SUV कम बजट में, तो सिद्धार्थ भाई रखेंगे थोड़ा सा ध्यान। सिद्धार्थ भाई प्राइस बताइए सर इसकी गाड़ी की। मैं प्राइस की अगर बात करूंगा सर, तो ये मैं आपको 3.5 लाख में है। बिल्कुल सर। अच्छा, मैंने कहा ना शॉकिंग प्राइस होगी सर इसकी। सही बात, 3.5 लाख में विद पेपर ट्रांसफर। अच्छा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद एसेसरीज। विद एसेसरीज, जैसे मैंने एक्सयू में बताया, ये भी कस्टमर की गाड़ी है, विद एसेसरीज आपको प्रोवाइड होगी सर। इसमें सीट कवर, स्टेरिंग कवर, जो भी न्यू लगेंगे लगा कर आपको दिया जाएगा। चलिए भाई, तो मतलब एक्सेसरीज जो भी इसमें आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है वो भैया लगा कर देंगे। और प्राइस कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि 3.5 लाख रुपये में ना ये गाड़ी तो नहीं मिलती है भाई, वो भी 14 का मॉडल है, इतनी अच्छी माइलेज देती है। जिन भाइयों को भी लेना होगा, नंबर दिया होगा भरद्वाज इंटरप्राइजेस का, भैया को कॉन्टैक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे अब मारुति का आपको गाड़ी देखने वाला है एक लाइन से, जहाँ पे अपनी नई वाली 21 है 20 लास्ट है ये सर 20 लास्ट की है सर 20 के लास्ट की है, ठीक है। तो ये है अपनी डिजायर, स्विफ्ट डिजायर 20 दिसंबर की मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं अंकित जी, बिल्कुल, कि ये चली हुई सिर्फ और सिर्फ 5200 किलोमीटर है, 5200 अगर चेक करवाना चाहे तो। बिल्कुल सर, आप डेफिनेटली कहीं भी जाइए सर, सर्विस कॉल आप चेक करा सकते हैं। क्या बात है भाई, तो इस गाड़ी का ना मीटर भाई आपको शॉक कर देगा, क्योंकि ये 5200 किलोमीटर चली हुई है। नंबर पटना का है, आपको सर्विस रिकॉर्ड निकलवाना है आप जाकर निकलवा सकते। बिल्कुल, ऑनरशिप फर्स्ट, ऑनरशिप फर्स्ट सर। मैं चाहूंगा अंकित भाई कि आप इस वीडियो को पूरा कस्टमर को, व्यूअर्स को, इंजन तक इस गाड़ी को, आप इंजन वगैरह सब कुछ। बिल्कुल सर। चलिए भाई, तो बोनट वगैरह सब कुछ हम लोग, इंजन, किलोमीटर, एवरीथिंग, सब कुछ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप पहले इसका साइड प्रोफाइल देख लीजिए भाई। एक चीज़ तो मैं भी कह सकता हूँ कि गाड़ी भाई देख के ही पता लग रही है कि अभी एकदम ही नहीं चली हुई है। टायर आप देखेंगे कंपनी वाले हैं, जिसपे भाई अभी बात करें सारे ही रेसा आपको दिख जाएंगे। साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर आ जाती है, और सेडान में ना भाई इस गाड़ी का अलग ही क्रेज है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाना चाहूँगा, तो आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। और इसमें भाई अपग्रेडेड भी लगाई गई है सोनी का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। सीट वगैरह की आप कंडीशन देख सकते हैं, सीट कवर लगा दी गई है, मतलब आपको गाड़ी ना
ये जस्ट लाइक शोरूम कंडीशन है भैया, इसमें तो ऐसा है कि बस जाकर रिबन लगाए और गाड़ी रेडी टू मूव। सर रेडी टू मूव, डेफिनेटली बिल्कुल रेडी टू मूव है भाई। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो इसका बोनट है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि आपको कैसा देखने को मिलता है, ताकि आप देखें और खुद से वेरीफाई करें कि बची हुई गाड़ी क्या होती है। आप देखिए मेरे भाई, इसमें तो सिद्धार्थ भाई कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं कहेंगे, कस्टमर आएंगे और लेकर जाएंगे सर। ये देख लीजिए भाई, इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये देख रहे हैं आप, स्टिकर देख रहे हैं, ये सारे कंपनी वाले वैसे ही लगे हुए हैं जैसे आती है भाई। तो जिन भाइयों को एकदम ही नई जैसी कार चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि नई कार लेने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कुछ पैसे बच जाए, तो इस गाड़ी को ले सकते हैं। डेफिनेटली ले सकते हैं सर। कितने की दे देंगे आप? चलिए अंकित भाई, अब आप इतना बोल रहे हैं सर, तो चलिए मैं ये गाड़ी हमारे व्यूअर्स को विद ट्रांसफर के साथ 6,75,000 में दे देंगे। 6,75,000 की दे देंगे, 5,000 चली हुई है मात्र और मात्र। इससे अगर 1 किलोमीटर भी ज़्यादा चली रही सर, तो मैं गाड़ी फ्री में दे दूँगा। गाड़ी फ्री में दे देंगे, सर्विस रिकॉर्ड से अगर नहीं रहा तो गाड़ी फ्री। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ की भाई, आप देखेंगे आपको एश्योरिटी दी जा रही है कि किलोमीटर 5200 चला हुआ है तो चला हुआ है। आपने प्राइस क्या बताया सिद्धार्थ भाई? 6,75,000 विद पेपर ट्रांसफर के साथ, एक चीज़ नो एनी अदर कॉस्ट एनी चार्जेस। ठीक है, और तो कुछ पैसा अलग से लगना नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं लगना। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, कितने तक डाउन पेमेंट पे ये गाड़ी लेकर जा सकते हैं, लोन कितना करा देंगे इस पे? मैं अप्रोक्सीमेटली सर, आपको हमारे व्यूअर्स जो भी होंगे अगर प्रोफाइल अच्छा हो तो मैं 5,00,000 तक भी लोन प्रोवाइड कर दूंगा। 5,00,000? हाँ जी सर। मतलब 1,75,000 भी लेकर जा सकते हैं। तो भाई अगर आपके पास पैसे कम से कम, सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल बस बढ़िया होना चाहिए, बैंकिंग प्रोफाइल सिविल अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज सिविल थोड़ा कम भी है तो अप्रोक्सीमेटली 4,00,000 के आसपास लोन आपको मैं प्रोवाइड कर आराम से हो जाएगा। फिर भी तो मतलब ऐसा है कि उनको अगर कार चाहिए तो 2-3 लाख रुपए भी होंगे तो हो जाएगा, ये लेके जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, 20 के दिसंबर महीने का 5200 चला हुआ आप लेकर जा सकते हैं, मात्र और मात्र आपके जेब में होने चाहिए 2-2.5 लाख रुपए, और सिद्धार्थ भाई आपको कार देंगे, बस प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिद्धार्थ भाई यहाँ पे बलेनो पे। जी सर, ये बलेनो है सर। बलेनो कौन सा मॉडल है, ये वेरिएंट कौन सा है? अंकित भाई ये 2000, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये 2019 की मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ओनर है बलेनो में, जेटा वेरिएंट है। जेटा है ये सेकंड टॉप। हाँ सेकंड टॉप मॉडल, इससे ऊपर एक अल्फा होती है, ये जेटा वेरिएंट है। बिल्कुल भाई, ये सबसे नीचे भाई अपनी सिग्मा आती है, डेल्टा आती है, जेटा आती है। कह लीजिए ना कि ये सेम है सर, जेटा अल्फा इज जस्ट अ सेम। अच्छा, कुछ खास फीचर्स नहीं है सर। बिल्कुल भाई, इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता है, क्योंकि मैंने इस कार को बहुत बार आप लोगों के लिए रिव्यू किया है। तो 19 मॉडल है, कितना चला है सिद्धार्थ भाई ये? 19 मॉडल है, मैं एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, मेरे साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी देखें कितनी किलोमीटर चली हुई है। चलिए भाई, किलोमीटर आपको दिखाएंगे ही मीटर में, बाकी आप देख सकते हैं इसका ब्लू कलर में आपको ये मिल जाता है। टायर वगैरह की आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, अलॉय व्हील आपको मिलती है भाई। बाकी बात करें भाई अगर इसके किलोमीटर की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 24,071 किलोमीटर चली हुई है। और जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि भाई इसमें ज़्यादा आपको कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें भी आपको मिल रही है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, एयर बैग आ जाती है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड है, सीट वगैरह की आप कंडीशन देख सकते हैं जो कि ओरिजिनल मारुति से ही लगाई गई है। तो भाई आपने देखा है बलेनो अभी 2019 मॉडल, ब्लू कलर की ये कार है, और इसमें भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ पे आपको सारा फॉग लैंप वगैरह मिल जाता है। सिद्धार्थ भाई 19 मॉडल है, कितने की देंगे आप ये? अप्रोक्सीमेटली मैं हमारे व्यूअर्स को ये गाड़ी मैं 7,11,000 में विद पेपर ट्रांसफर में देखूँगा। 7,11,000? हाँ जी सर। चलिए तो 7,11,000 में विद पेपर ट्रांसफर आपको ये बलेनो यहाँ पे भरद्वाज इंटरप्राइजेज। और भी हमारे व्यूअर्स जो अगर रोविंग बर्ड के थ्रू आते हैं तो मैं डेफिनेटली उनके लिए कुछ जहाँ तक मैं कर सकूँगा नेगोशिएट भी डेफिनेटली करूँगा, कर देंगे थोड़ा बहुत। चलिए थैंक यू सो मच। पुरानी वाली भी है यहाँ पे, स्विफ्ट है इसकी, आज भी इस गाड़ी की डिमांड है सर। सही बात है, बिल्कुल सही। ये 2015 की गाड़ी है, ऑनरशिप सेकंड हो चुकी है सर ये गाड़ी। अच्छा। हाँ जी सर, वो कह सकते हैं सेकंड भी बाहर में नहीं, घर में ही सेकंड हो चुका है। अच्छा, घर में ही हुआ। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। ये चली हुई 60,000 के अप्रॉक्स है, विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी है। ठीक है, आप जहाँ तक इसको गाड़ी में चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को पूरे इंटीरियर तक इसको भी दिखाएं सर। बिल्कुल सब कुछ दिखाएंगे। ये डीजल है, पेट्रोल है? ये पेट्रोल है सर, भी एक सही है सर। ठीक है, तो भाई ये पेट्रोल वेरिएंट है, BR31 अपना हाजीपुर का नंबर है। सिल्वर कलर की आप देख रहे हैं, आपके सामने लगी हुई है स्विफ्ट, जो कि आपको 2015 का मॉडल है, नंबर हमने बता दिया है। डोर बिट से लेके डोर वाइजर हर एक एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती है। मैं इसका पहले आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, तो भले ही 2015 मॉडल है लेकिन अगर गाड़ी का आप मेंटेनेंस देखेंगे ना, तो यू विल गेट शॉक्ड कि भाई इतने अच्छे से भी मेंटेन रखते हैं कुछ लोग कार, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीट वगैरह सब कुछ की मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। तो गाड़ी है ये 2015 की मॉडल है, ये स्विफ्ट की VXI वेरिएंट। आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि अगर आपको ख़रीदना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे सिद्धार्थ भाई, क्या मैं सर इसकी फाइनल प्राइस में बात करूंगा सर हमारे व्यूअर्स को, मैं ये गाड़ी हमारे व्यूअर्स को 4,11,000 में विद पेपर ट्रांसफर में गाड़ी देता हूँ। डाउन पेमेंट कितना करना होगा अगर प्रोफाइल बढ़िया रहता है? 2 या 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट में गाड़ी, आप लोन में करवा दूंगा, बाकी रेस्ट 1.5 या 2 के बीच में आपको
लोन करा सकते हैं, डाउन पेमेंट करना, डाउन पेमेंट करना होगा, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए आप देकर गाड़ी लेकर जा सकते हैं, बस आपका सिविल बढ़िया होना चाहिए, लोन करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अगली गाड़ी कौन सी होगी? अगली गाड़ी मैं चाहूंगा, हमारे पास 2 स्टॉक वैगनार है, मैं चाहूंगा वो भी आप दिखाएं। चलिए भाई, तो यहाँ पे अभी 2 वैगनार है जो कि हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। गाड़ियाँ बहुत सारी होती है भाई, थोड़ी सी कुछ उधर होती है, कुछ इस साइड पे होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक वैगनार लगी हुई है, और अगर बात करें दोनों वैगनार सेम कलर में है। सिद्धार्थ भाई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सर 2011 अक्टूबर महीने की गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ऑनर है पटना, सॉरी सर, ये सेकंड ऑनर है सर, ये पटना रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, चली भी अप्रोक्सीमेटली 40,000-45,000 के आसपास है सर। जहाँ तक इसकी प्राइस की अगर बात करें सर, तो ये 2,40,000 की गाड़ी है। 2,40,000 की देंगे। चलिए, तो 2,40,000 के बजट में भी इनके पास गाड़ी मिलती है, जिसमें आप वैगनार देख रहे हैं, और कलर आपने बाहर से देख लिया है, इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैगनार की एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई, चाहे वो 10 मॉडल हो, 12 मॉडल हो, 14 मॉडल हो, आपको ना पावर विंडो भाई चारों मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी क्विड में आप देखते होंगे भाई, 18 मॉडल भी आप लेने जाते हैं, 2 पावर विंडो मिलती है। इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिलती है, पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, हर एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप सीट वगैरह की भी कंडीशन चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ दिखा दिया है, गाड़ी आपके सामने है, 2,40,000 रुपये के रकम में आप इसे खरीद सकते हैं। सिद्धार्थ भाई, एक और अपने पास यहाँ पे वैगन आर है, क्या डिटेल है इसके बारे में? सर, अगर मैं ये डिटेल बताऊँ तो हमारे व्यूअर्स थोड़े से आई जस्ट थिंक शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये 2016 की मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, ठीक है, पटना रजिस्ट्रेशन है, जैसा कि देख पा रहे हैं। अंकित जी, मैं चाहूँगा आप ही बताइए कितनी किलोमीटर चली हुई हो सकती है? 16 की है भैया, तो अगर 10,000 भी अगर साल की चलती है सर, तो कहीं ना कहीं 70,000 के आसपास, 60-70,000 के आसपास। चलिए मैं बदलता हूँ, उतनी भी चली हुई नहीं है सर। कितनी चली हुई है? 30,000। और नीचे चले जाइए, 20,000। और चले जाइए सर, 15। बिल्कुल नहीं, और नीचे 10। और नीचे सर, 10 से नीचे क्या ही होगा फिर? ये बीच सर्विस रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर चली हुई है सर। 6,000 सोलह की गाड़ी? मैं इस गाड़ी की गारंटी लेता हूँ सर, अगर ये इतनी चली हुई नहीं रही, अच्छा, तो हमारे तरफ से हमारे व्यूअर्स को फ्री गिफ्ट हो, फ्री में दे देंगे सर। क्या बात है भाई, तो अगर ये गाड़ी 6,000 नहीं चली होगी ना, तो गाड़ी फ्री में आपको दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैजिकल बात है भाई, कि आपको 16 की गाड़ी 6,000 में सर्विस रिकॉर्ड चली हुई मिल रही है। बाकी ऐसे कंडीशन वाइज थोड़ी सी लग भी रही है भाई, कि वैसे वो ओरिजिनल पेंट में सर, ओरिजिनल पेंट, बिल्कुल थोड़ी सी डस्ट लगी है, बट वॉशिंग होगा तो वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। बट हाँ सर, जो चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है, मैं चाहूँगा इसका भी आप किलोमीटर भी हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, इंजन तक इस हमारे व्यूअर्स को। चलिए भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे भाई किलोमीटर की, तो सबसे पहले आपको किलोमीटर हम लोग दिखाते हैं। 6,532 किलोमीटर है भाई। कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये गाड़ी सर्विस रिकॉर्ड, विद सर्विस रिकॉर्ड। एक चीज़ मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे दरवाज़ा खोलना होगा, तो आप कुछ कुछ चीज़ें देख के समझ भी पा रहे होंगे कि ये गाड़ी भाई है उतनी ही चली, क्योंकि ये देखिए इस पे जो स्टिकर लग के आते हैं ना कंपनी से, जो कि भाई आपको ये पता है, खुलते खुलते तो खुद ही उड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी लगी हुई है। अच्छा, ये देखो आप, ये देख रहे हैं आप, तो भाई यकीन नहीं हो रहा कि कुछ गाड़ियाँ इतनी कम चली हुई मिल जाती है। 16 की गाड़ी 6,000 चली हुई, आप पूरा पूरा इंटीरियर देखें। जिन भाइयों को लेना होगा ना, दौड़ भाग के आइएगा, तभी मिलेगी ये गाड़ी, क्योंकि भाई वीडियो के बाद रुकती नहीं है। मैं आपको अब इंजन दिखाता हूँ, तो इंजन हमने एक गाड़ी का और दिखाया था, जो कि था भैया अपना डिजायर, हाँ जी सर, जिसपे स्टिकर लगे हुए थे ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये 16 की है, और देखिए भाई सेम ऐसे ही स्टिकर, कंपनी वाले अभी भी पंचिंग है तो है, निकली हुई नहीं है। बिल्कुल, तो भैया प्राइस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मुद्दा तो वहीं आके रुकता है। हाँ बिल्कुल सर, जहाँ तक मैं आपकी इसकी प्राइस में बात करूँ अंकित जी, ये हमारे व्यूअर्स को मैं इसकी फाइनल प्राइस बात करूँगा, रोमिंग बर्ड के थ्रू भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं फाइनल प्राइस करूँगा। जो भी रोमिंग बर्ड चैनल से हमारे कस्टमर आएंगे, उनके लिए फाइनल प्राइस इस गाड़ी का होगा 3,75,000 विद पेपर ट्रांसफर ऑल इंक्लूडिंग, इंक्लूड करके, नो एनी चार्जेस, नो एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। 3,75,000 में आपको ये गाड़ी देंगे। डाउन पेमेंट कितना करना होगा इस पे? अगर लोन की बात करें तो मैं इस गाड़ी पे 2 लाख के पास लोन करवा दूंगा। अच्छा, 2 से 2.5 के बीच में लोन हो जाएगा, तो मतलब डाउन पेमेंट कहीं ना कहीं 1.75-1.5 के आसपास, 1 से 1.5 के बीच में सर। चलिए भाई, 1.5 लाख के आसपास के डाउन पेमेंट पे आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। बाकी एक गाड़ी अभी और आई है। हाँ जी अंकित जी, वो क्या है ना कि थोड़ी है, थोड़ा यूनिक यूनिक गाड़ी है भाई, एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन उस गाड़ी को भी हम लोग दिखाएंगे। गाड़ी है रेड कलर की भाई, और बहुत ही शानदार कंडीशन में है भाई। 19 मॉडल आप देख पा रहे होंगे। एक और आप लोगों के लिए VIP नंबर की एंट्री हो गई है, और ये है मित्सुबिशी की पजेरो स्पोर्ट्स। बिल्कुल, कलर बहुत ही यूनिक है, और सबसे ज्यादा भाई मुझे लगता है भैया इस वाले से की पजेरो स्पोर्ट्स में यही कलर बिकी थी, और काफी डिमांड में थी सर, काफी डिमांड में थी भाई। आज भी बहुत अच्छे अच्छे नेता अधिकारी ये लोग भाई अपना घूमते इसी गाड़ी से। डिटेल क्या रहने वाला है सिद्धार्थ भाई? जहाँ तक अंकित भाई देख पा रहे हैं, 2019 की मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है। अच्छा, और एक खास बात, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को नंबर भी आप इसके दिखाएं। ये देखिए,
00 गाड़ी का 00 11 गाड़ी का नंबर है। शायद हमारे व्यूअर्स को लास्ट वीडियो को देखे कुछ याद आएगा सर। सही बात है, 00 11 लड़ी लगाई थी। बिल्कुल BR24 स्कॉर्पियो था दोनों। तो भाई उसी तरह से फिर से बरकरार है वो चीज़ की आप लोगों के लिए भाई, नंबर वन हमेशा रहना है। ठीक है, तो भैया मित्सुबिशी की ये पजेरो स्पोर्ट्स है 2019 मॉडल। कितना चला होगा ये? ये चली हुई है अप्रोक्सीमेटली सर, ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 80,000 के आसपास चली हुई है। 80,000 के आसपास? हाँ सर, जो चली हुई है सर, मैंने उसे वही रेंज में छोड़ दिया मैंने इसको। बिल्कुल। और एक खास बात सर इस गाड़ी को लेकर है कि ये इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस अभी है। अच्छा, फुल इंश्योरेंस की वैल्यू भी इसकी 17 या 18 लाख के आसपास का इंश्योरेंस। आईडीबी वैल्यू भाई 17 से 18 लाख रुपए की है। गाड़ी बहुत ही लंबी चौड़ी है और अगर इसका साइड पोर्शन देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इंडिवर की याद दिलाती है, क्योंकि वैसी ही दिखती है साइड से। बिल्कुल भाई, रेड कलर में बहुत ही शानदार दिखती है। पर्सनली आई लाइक दिस कार। आपको बड़ी सी आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है, टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, ऊंची बड़ी चौड़ी कार है ये। इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि अंदर से ये गाड़ी आखिर में है कैसी, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। क्योंकि भाई मित्सुबिशी की जो पजेरो स्पोर्ट्स है मैं भी कम रिव्यू किया अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हैं ये इसका कुछ इस प्रकार का इंटीरियर रहने वाला है जहाँ पे आप पूरा व्यू ले सकते हैं। ये इसमें भी अगर और एक चीज़ में बात करूँ भाई, तो जितनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर वगैरह में आपको स्पेस मिलती है सेम स्पेस इसमें भी आ जाता है अंदर में। बिल्कुल, समझिए कि इंडिवर की स्पेस इसकी स्पेस बराबर है। बिल्कुल, बट इसकी एक रॉयल्टी अलग हो जाती है। रॉयल्टी अलग हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जिन भाइयों को लेना है आखिरी गाड़ी है, आपके मन में एक प्राइस होगा जो आप बताने वाले होंगे, लेकिन आखिरी गाड़ी है तो थोड़ा सा उससे भी कम करके बताइए। सर कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। बिल्कुल, ये वो है सर। क्या रेट होगा इसकी प्राइस में हमारे व्यूअर्स को? जहाँ तक अगर नई की बात करें तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 40 से 45 लाख के आसपास आती थी सर। ठीक है, मैं ये गाड़ी हमारे व्यूअर्स को मात्र सिर्फ ओनली मैं कह सकता हूँ 15.5 लाख में ये गाड़ी में होने लगे। 15.5 लाख रुपये में आप विद पेपर ट्रांसफर इंक्लूड। इंश्योरेंस इसका वैलिड है 17 से 18 लाख, तो इंश्योरेंस का आईडीबी वैल्यू है इसका। जी सर बिल्कुल। तो आपको अगर पसंद आ रही होगी अगर कार तो स्क्रीन पे नंबर है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा अगर आपको नंबर याद है तो एक बार नंबर रिपीट भी कर दीजिए, आप कैसे कॉल कर सकते हैं? सर हमारा ऑफिशियली नंबर है 9835286344। बिल्कुल, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा सेकंड नंबर है सर 7362090111। 90111 जो गाड़ी नंबर भैया ने बताया वो आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। आपने शुरू में एड्रेस बताया सिद्धार्थ भाई, दोहरा दीजिए उसको किस तरह। हमारा भी एड्रेस ऑफिशियली एड्रेस हमारा सर बोरिंग कैनाल रोड भारत पेट्रोल पंप के अपोजिट जेजे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर, भारत एंटरप्राइज के नाम से हमारा ऑफिस है। फर्स्ट फ्लोर PNB के बैंक है उस फ्लोर पे, उसी बिल्डिंग में हमारे फर्स्ट फ्लोर बैंक के बगल में हमारा सर ऑफिस है। बैंक के बाजू में ही आप देख सकते हैं ये जेजे कॉम्प्लेक्स है, इसी में पंजाब नेशनल बैंक है। फर्स्ट फ्लोर पे ही उसी फ्लोर पे सिद्धार्थ भाई का ऑफिस दिख जाता है। सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे से डिटेल दिया आपने भाई। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ अगर आपको इसमें से कोई सी भी गाड़ी पसंद आ रही होगी नंबर स्क्रीन पे दे दिया, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके अपनी मनपसंदीदा कार को परचेस कर सकते हैं। और बाकी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कार और बाइक वगैरह की वीडियो मैं हमेशा ही लेकर आते रहता हूँ। और 7 लाख जो परिवार आपने यूट्यूब पे किया है, 6 लाख फेसबुक पे किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा हमेशा ही। तो यार आज के लिए बस इतना ही, रखते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।